दोस्तों यूपीएससी 2018 में पूरी मेरिट लिस्ट में हिंदी मीडियम से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले ने 337th रैंक हासिल की है, जो अब तक का सबसे खराब रिजल्ट है। आज हम आपको इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों अब तक कोई भी हिंदी मीडियम कैंडिडेट टॉप नहीं कर पाया, ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम 2013 से लेकर 2018 तक के सभी हिंदी मीडियम टॉपर पर नजर डालते हैं। तो साल 2013 में यूपीएससी ने सिलेबस बदला। इस साल यूपीएससी में हिंदी मीडियम से करीब 25 कैंडिडेट चुने गए थे, इनमें से सिर्फ एक ही आईएएस बन सका। हिंदी मीडियम से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले की रैंक 107 थी। ईयर 2014 में हिंदी मीडियम में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले की रैंक 13 थी। कुछ सफल छात्रों के बीच हिंदी मीडियम वालों की संख्या 5 से कम थी। साल 2015 में हिंदी मीडियम में से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले की रैंक थी 61 और इसके बाद 99, मतलब टॉप 100 में हिंदी मीडियम में से सिर्फ 2 कैंडिडेट थे। ईयर 2016 में टॉप 50 में हिंदी मीडियम के सिर्फ 3 कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। ईयर 2017 में हिंदी मीडियम से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले की रैंकिंग 146 थी। कुल चयन 50 से भी कम था। ईयर 2018 में हिंदी मीडियम से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले की रैंकिंग 337 थी। उसके बाद दूसरा रैंक 339 था। क्यों अब तक कोई भी हिंदी मीडियम कैंडिडेट टॉप नहीं कर पाया? कुछ लोगों का कहना है कि बोर्ड के सदस्य हिंदी मीडियम वालों को दूसरी नजर से देखते हैं और मार्क्स देने में भेदभाव करते हैं। कई कैंडिडेट्स का ऐसा अनुभव रहा है कि जब वो इंटरव्यू के दौरान हिंदी में बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। हिंदी को लेकर ताना सुनना आम बात है। हिंदी मीडियम की कैंडिडेट्स को स्टडी मटेरियल की कमी से जूझना पड़ता है। ज्यादातर बेहतर टेक्स्ट बुक्स और अच्छे कोचिंग नोट्स मूल रूप में अंग्रेजी में ही होते हैं। और अखबारों की बात करें तो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के सामने हिंदी का कोई अखबार शायद ही टिकता हो। हिंदी से तैयारी करने वालों के लिए ढंग का वेबसाइट तक नहीं है। दोस्तों लिपि की वजह से अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में लिखने में ज्यादा वक्त लगता है। अंग्रेजी में अगर एक मिनट में 25 शब्द लिखे जा सकते हैं तो हिंदी में 25 शब्दों को लिखने के लिए करीबन 1 मिनट और 30 सेकंड चाहिए होते हैं। सवालों का हिंदी में घटिया अनुवाद। दरअसल सवाल मूल रूप से अंग्रेजी में ही सेट किए जाते हैं, फिर हिंदी में इनका अनुवाद किया जाता है। परेशानी की बात यह है कि ऐसे अनुवाद ज्यादातर गूगल ट्रांसलेटर जैसे टूल से मशीनी तकनीक से किए जाते हैं। ऐसे सवाल भले ही हिंदी में हो लेकिन इनका मतलब निकालना छात्र के लिए टेढ़ी खीर समान होता है। दोस्तों दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर कैंडिडेट द्वारा कही गई है। हम किसी भी हिंदी मीडियम कैंडिडेट को डीमोटिवेट नहीं करना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।